नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। नए साल की दस्तक लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के घर जल्दी नन्ना मेहमान आने वाला है। सिंगापुर से भारत लौटने से पहले ही उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल गई है। लालू प्रसाद यादव जल्द ही दादा बनने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पत्नी राजश्री यादव माँ और पिता बनने वाले हैं। आपको बता दें कि राजश्री यादव इन दिनों दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में हैं। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में लालू परिवार के घर जल्द ही नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज सकती है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी से मिलने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य सूत्रों द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर ऑपरेशन के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वे जल्द ही ठीक होकर घर वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में लालू यादव को अस्पताल के समीप ही एक किराए के फ्लैट में रखा गया है, जहां लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी व पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी डॉक्टर मिशा भारती अपने पति के साथ पिता की देखभाल कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद मार्च तक भारत वापस लौटे जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में साफ है कि लालू प्रसाद यादव के भारत लौटने से पहले उनके घर मेहमान की किलकारी गूंजने लगेगी और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दादा और दादी बन जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकावास।